हेलो दोस्तों, तो फिर से आज आप लोग का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम चल रहे हैं भारत माता मंदिर, जो कि यह मंदिर सीगरा में स्थित है, जो कि कैंट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। कैंट स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से 500 मीटर दूर है। तो आइए आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और चलिए आप लोग को चल के दिखाते हैं भारत माता मंदिर क्या है। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं भारत माता मंदिर, जो कि देखिए ये सामने यहाँ से कट लेने पे ये देखिए सिगरा है, सामने कैंट रेलवे स्टेशन कुछ ही दूरी पे है। और ये देखिए यहीं पे है ये भारत माता मंदिर वाराणसी, देखिए लिखा हुआ भी है ऊपर। ये देखिए दोस्तों, भारत माता मंदिर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे मंदिर के बारे में लिखा गया है। ये लिखा गया यह मंदिर स्वतंत्रता सेनानी बाबू श्री प्रसाद गुप्त द्वारा डिजाइन किया गया था और 1936 में इस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किए थे इस यहाँ पर काशी में आके। और इस मंदिर के बारे में और भी आप लोग को चलिए अंदर दिखाते हैं और वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह मंदिर आप लोग को दिख रहा होगा, यही देखिए बाहर से मंदिर है और मंदिर के जस्ट सामने देखिए पूरा पार्क है, जो कि इसमें आके लोग बैठ सकते हैं। और चलिए आइए चलते हैं अंदर भी मंदिर के। तो दोस्तों देखिए, अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, जो कि मंदिर के अंदर एंट्री होने पर यहाँ पर देखिए भारत माता का चित्र बनाया गया है और भी आप लोग को दिखा रहे हैं आगे चल के। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, इस मंदिर में सिर्फ अपने देश का मानचित्र को बनाया गया, मैप को पूरा बनाया गया है, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे कोई भी देखेंगे यहाँ पे तो मूर्तियाँ आप लोगों को नहीं दिखेगा, ये पूरा बस यहाँ पे भारत का यहाँ पे पूरा मानचित्र ही दिखेगा। और इसमें किसी भी धर्म के लोगों के लिए बंद नहीं है, ये हर किसी के लिए खुला हुआ है। और यहाँ पे देखिए पूरा हर एक चीज़ भारत का पूरा दर्शाया गया है। इधर देखिए पूरा दिखा रहे हैं आप लोगों को अच्छे से। इधर देखिए श्रीलंका भी दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे दिखा। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए हिंद महासागर है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे हिंद का महासागर, देखिए पूरा लिखा हुआ है। और देखिए ये देखिए पूरा उस समय 1936 में इसका उद्घाटन हुआ था, जो कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं पूरा, ये देखिए यहाँ से पूरा मैप आप लोग को दिख रहा होगा पूरा भारत का, और जो भी भारत के आसपास पड़ोसी देश भी हैं उसको भी दर्शाया गया है इसमें। जो भी भारत का नक्शा है उसी हिसाब से पूरा है यहाँ पे। और देखिए उधर, देखिए उधर पूरा पहाड़ी इलाका जो है वो भी देखिए पूरा दिखाया गया है उसमें वहाँ पे। और देखिए उस समय लोग ये जो कि पूरा उस समय बनाया गया है, पूरा उस समय उभारा गया है जैसे भी, लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब लोग देखिए और भी दिखा रहे हैं आप लोगों को नीचे से चल के, नीचे से इसका दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नीचे जा के नीचे से भी देखने का इसमें अलग ही नज़ारा है आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हिमालय को दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए नीचे से कैसा दिख रहा है, ये आप लोगों को सामने दिख रहा होगा हिमालय। देखिए इस पे पूरा लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा मानचित्र आपको दिखा रहे हैं मैप, देखिए ये देखिए पूरा, ये देखिए बंगाल की खाड़ी दर्शाया गया है यहाँ पे, जो जैसे भी मैप में है। यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी लिखा हुआ है, उधर देखिए समुद्री इलाका पूरा उधर, यहाँ से देखिए हिमालय कैसा दिख रहा है, हिमालय पर्वत। और देखिए ऊपर से भी देखने का है, लेकिन ऊपर अभी बंद है, ऊपर नहीं जाना है, अलाउ नहीं है अभी। ये 15 अगस्त को इसमें आने पर और ही भव्य नज़ारा दिखता है, कि 15 अगस्त आने वाला भी है, तो आप लोग भी आइए 15 अगस्त को यहाँ पे
और घूमिए, देखिए कैसा नज़ारा रहता है यहाँ का। यहाँ पे किसी भी देवी देवता का यहाँ पे मंदिर आपको मूर्ति नहीं दिखेगा, यहाँ बस यही भारत माता का ये जो भी मैप है वहीं पर दिखेगा और कोई भी मूर्ति यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे हर एक चीज़ पूरा देखिए लिखा हुआ है बारीकी से, देखिए पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे जो जो है सब पूरा लिखा हुआ है। और सोचिए कि 1936 में इसका उद्घाटन हुआ था, उससे पहले से बन रहा हो, तब सोचिए कैसे उस टाइम में इसको बनाया गया था पूरा हाथों से, ना कोई मशीन ना ही कोई चीज। इसका महात्मा गांधी जी खुद आके 1936 में यहाँ पे उद्घाटन किए थे। दोस्तों आप लोग देखे हैं कि उस मैप में पूरा जो भी जितना भी भारत का हर एक चीज़ है उस पूरा चीज़ को दर्शाया गया है, और बगल में पूरा देखिए श्रीलंका जो देश है, नेपाल है, सब पूरा देश को भी दर्शाया गया है, जो आसपास देश हैं जो भी भारत के मैप में अभी भी आप लोग देखते हैं वो पूरा दर्शाया गया है। और ये भारत माता मंदिर सिर्फ पूरे इंडिया में 3 ही 4 जगह ये मंदिर है, नहीं तो और कहीं मंदिर नहीं है। तो आप लोग भी आइए यहाँ पर जरूर और घूमिए, और 15 अगस्त को यहाँ पर भव्य तरीके से मंदिर को सजाया जाता है और अच्छे से यहाँ पर पूरा कार्यक्रम होता है। तो आइए आप लोग, 15 अगस्त आने वाला भी है, तो आप लोग से फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मेरे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिए। और ये देखिए पूरा मंदिर के बाहर का नज़ारा, तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।